लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं सर्वसम्मति के साथ। अब उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। सभी दल के जो तमाम वहां पर नेता मौजूद हैं वो बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, माना यह जा रहा था कि पर्ची से चुनाव होगा या किसी और तरीके से यहां पर चुनाव होगा, लेकिन चुनाव ध्वनि मत से हुआ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। देखिए, परंपरा कायम रही। इसका मतलब यह है कि विपक्ष ने कोई विरोध या ये कहा जाए कि पक्ष विपक्ष की बात ना करते हुए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया, तो ये अच्छी परंपरा हिंदुस्तान की। मनोज जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेहमानों का परिचय करा देता हूं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेश यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, बिल्कुल, तो ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ, गतिरोध कहीं दिखाई नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है सदन के लिए। और आज आप देखिए 18वीं लोकसभा के अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। बलराम जाखड़ के बाद दूसरे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो दूसरी बार लोकसभा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो लगातार चुनाव जीतकर वहां पहुंचे, जैसा प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे। और ये पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में कई बड़े, चाहे धारा 370 की बात हुई हो या हमने देखा कि 3 तलाक की बात हुई हो, ऐसे तमाम तरह के निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के रहते हुए हुए, और एक बार फिर उनको मौका मिला। बहुत ही एक अलग तरह के सौम्य स्वभाव के व्यक्ति है, जैसा प्रधानमंत्री भी कह रहे थे। लेकिन आज सदन बड़ा सुंदर लग रहा है दिनेश, जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनकर वहां पहुंचे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पक्ष के नेता है। और हम अभी अभी अखिलेश को भी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि अंकुश लगना चाहिए, लेकिन अंकुश उन पर भी लगना चाहिए जो सदन में बैठे हुए पक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, उन पर भी लगे, लेकिन जहां गलती है उस पर ध्यान दिया जाए। तो उम्मीदें सभी ने की है कि सदन ठीक ढंग से चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा हिंदुस्तान का जो एक माहौल रहा है सदन के भीतर का वो दिखाई दे रहा है, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें। पहले ये कहा जा रहा था कि क्या पक्ष और विपक्ष यानी एक चुनाव होता दिखाई देगा, लेकिन फिर से वही परंपरा कायम रही, तो अच्छी बात है। लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या होगा, अब नजरें इस पर रहेगी। और आज सुबह से ऐसा गतिरोध जरूर दिखाई दे रहा था सदन के बाहर, क्योंकि कहा जा रहा था वो उनके सपोर्ट में नहीं होंगे या उनके साथ नहीं होंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से प्रयास किया गया था, लेकिन आखिरकार सदन में वही हुआ जो भारत की परंपरा रही। निश्चित तौर पर आप देखना होगा डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या होगा, लेकिन जहां तक अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना होता तो शायद पहले ही एनडीए गठबंधन ये तय कर लेता या बातचीत हो जाती, जिस तरह से कई बार ये खबरें आई कि खड़गे से भी कई बार बातचीत की गई है, लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल पाया। बहरहाल अब जो भी होगा आगे देखना होगा। चलिए राजनीतिक मेहमानों से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजपाल जी, बधाई हो एनडीए की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया ओम बिरला के नाम का, उन्हें स्पीकर चुन लिया गया है। जी, आज देश के अंदर 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए ओम बिरला जी, देश को बधाई। भारत आईएनडी गठबंधन की तरफ से भी जिस प्रकार से ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित करके उन्होंने एक संदेश देने का काम किया, स्वागत योग्य है। बहुत खूबसूरत नजारा जो है आज लोकसभा के अंदर देखने को मिल रहा था, जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया ओम बिरला जी का, और ओम बिरला जी ने जिस प्रकार से पदभार ग्रहण किया और अध्यक्ष महोदय करके मोदी जी ने पहली बार उनको संबोधित करा, 18वीं लोकसभा के यह स्पीकर चुने गए। और वास्तविक में कई सारे निर्णय 17वीं लोकसभा ने देश के हित के किए, और उन निर्णयों के बाद में 18वीं लोकसभा आज से पूरे विश्व की निगाहें लोकसभा के इस सदन के ऊपर थी, और पूरे विश्व में भारत की एक खूबसूरत छवि आज जाने का काम हुआ। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा ये सदन देश के हित में काम करे, देश के नागरिकों के हित में काम करे, ऐसी शुभेच्छा करते हुए मैं ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। साथ ही मोदी जी और पूरे सत्ता पक्ष जो है उनको भी मैं इस बात का साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के हमारे एक नेता को फिर से अवसर देने का काम किया। दूसरी बार वे बने हैं, लगातार दूसरी बार बनने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, और ओम बिरला जी के नेतृत्व में निश्चित ही देश की संसदीय गरिमा और बढ़ेगी, संसदीय व्यवस्था और मजबूत होगी, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और सदन के प्रति लोगों में आस्था। निश्चित तौर पर जो तमाम विपक्ष के दल के नेता हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि
समान भावना के साथ जिस तरह से आगे जो प्रक्रिया है, संसद की कार्रवाई है, वो संपन्न हो, ऐसी अपेक्षा है। योगेश जी, किस तरह से देख रहे हैं, हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से एक वहां पर मैदान में प्रत्याशी भी उतारा गया, लेकिन ध्वनि मत के साथ ओम बिरला को चुन लिया गया। दिनेश जी, प्रजातंत्र की महान परंपराओं के अनुकूल मैं ओम बिरला जी को बधाई देता हूं, और शायद इस बात का इंडिया गठबंधन को अपेक्षा थी और हम अपेक्षित थे कि यह चुनाव यदि डिप्टी स्पीकर के पद के संदर्भ में पहले से ही एनडीए सरकार की तरफ से घोषित किया जाता कि हम डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन को देंगे, तो हम प्रजातांत्रिक मूल्यों की उस परंपरा का निर्वाह करते जो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, जो आजादी के बाद लगातार किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको आप अन्यथा ना लें, लेकिन एनडीए गठबंधन का यही अहंकार था कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत कर ही रहेंगे, लेकिन प्रजातंत्र की शुचिता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम विपक्ष का भी कितना सम्मान करें। पक्षार्थ कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमें विपक्ष के मूल्यों का, विपक्ष की आवाज का भी सम्मान करना चाहिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का भी भान होना चाहिए कि ये 2024 के पहले का बनी हुई सरकार नहीं है, ये जो सत्र है ये 2024 के बाद का सत्र है। जो उस समय उनको बहुमत प्राप्त हुआ था तो वो एक अलग बात थी, लेकिन आज 2024 के बाद इंडिया गठबंधन को भी एक बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त है, जो बिल्कुल बहुमत के करीब है, जिसको हम संख्या के आधार पर कहेंगे कि विपक्ष भी उतना ही सशक्त और मजबूत है, और यदि प्रजातांत्रिक सुचिता का पालन किया जाता तो डिप्टी स्पीकर के पद का इंडिया गठबंधन के लिए पहले से ही घोषणा की जानी चाहिए थी। अभी ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने यहाँ पर विरोध की भूमिका क्यों निभाई, नहीं, विपक्ष ने विरोध की भूमिका नहीं निभाई, हम उस सौहार्द वातावरण में जाना चाहते थे, हम वही आजादी के बाद की परंपरा का निर्वाह करना चाहते थे, लेकिन आपकी संकीर्ण मानसिकता के कारण ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम बधाई देते हैं और यह अपेक्षित अभी भी रहेगा, यही अपेक्षित रहेगा कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर इंडिया गठबंधन को एक बार मौका दें, ताकि हम लोगों का जो भारत का प्रजातंत्र है, जो विश्व में सर्वोच्च प्रजातंत्र है, उसके मूल्यों की रक्षा होती रहे, वरना शने शने तो ये विश्व में मैसेज जाता जा रहा है कि हमारे कहीं ना कहीं से प्रजातंत्र के मूल्य खंडित होते जा रहे हैं। जी योगी जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने ये जो बातें कही, बड़े अच्छे तरीके से आपने आज बातें रखी हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जी भी साफ तौर पर ये कह रहे थे कि आज बड़े अच्छे तरीके से आपने बातें रखी है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी विपक्ष चाहता था कि उसे अच्छा मजबूत नेता मिले, और राहुल गांधी जिस तरह से आज दिखाई दिए, मनोज जी उनकी पर्सनैलिटी आज क्या कह रही थी, राहुल गांधी के हाव भाव में कितना बदलाव? देखिए, अब ये कह सकते हैं कि वो एक नेता बन गए, नेता तो पहले से थे, लेकिन उन्होंने टी शर्ट छोड़कर आज कुर्ते पजामा, यानी जो नेता की वेशभूषा होती है वो उसमें नजर आ रहा है, पहले भी कुर्ता पजामा पहना करते थे वो, लेकिन तस्वीरें बदली, यानी एक परिपक्व नेता। और आप देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई उसके बाद एकदम परिवर्तन उनमें देखने को मिला, और जरूरत है सदन को भी देखी, सदन बहुत अच्छा होता है जब विपक्ष का नेता मजबूत हो, और राहुल गांधी के पास अब हम ये कह सकते हैं कि अनुभव भी है, वो बायनाड से चुनाव जीते, एक दौर ऐसा भी रहा पिछली बार जब वो बाहर भी गए, सदन से उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, और मुझे लगता है शायद इसी तरह अखिलेश यादव जिक्र कर रहे होंगे, ओम बिरला जी का ध्यान खींच रहे होंगे, तो बहुत अच्छी परंपरा लोकसभा की रही है। पर अब ये भी समझ आ रहा है कि जिन राहुल गांधी को लेकर जो भी बातें चलती रही हो, अब वो एक नेता के रूप में, पिछले सदन के राहुल गांधी और इस बार के सदन के राहुल गांधी में, अब तो राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क। आपकी हंसी क्या कुछ कहना चाहती है? और मुझे लगता है राजपाल जी आज कुछ अच्छा कह दे राहुल गांधी के लिए तो अच्छा लगेगा। नहीं मनोज जी, मैं तो आपकी बात सुन के मुझे मुस्कुराहट हो रही थी, आपने ये कहा कि राहुल गांधी नेता बन गए, अभी तक देश के साथ क्या मजाक हो रहा था, कांग्रेस के साथ मजाक। सर एकदम कोई नेता नहीं होता ना सर, देखिए आप यही तो खासियत है हिंदुस्तान की, धीरे धीरे मौका तो मिलता है, उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, उस बात की तो तारीफ आपको भी करना पड़ेगा। आज टी शर्ट छोड़ के कुर्ता पहना, अच्छे लग रहे थे, वो सुंदर लग रहे थे, मोदी जी के बगल में खड़े थे, फोटो भी अच्छी दिख रही थी, बहुत बढ़िया लग रहे थे। पर मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी को भी संसदीय परंपराओं का और इसका पालन करते हुए, देश के विपक्ष के नेता है, उनकी तरफ भी पूरी देश की जनता आशा भरी निगाह से देखती है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए। मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि वो
देश की जनता। चलिए राजपाल जी, बधाई दे दीजिए, राहुल गांधी को बधाई दे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी जी को मैं बहुत बहुत बधाई। चलिए चलिए, समय कम है योगेश जी, एक टिप्पणी आपकी, बहुत समय कम। राज्यपाल जी की मुस्कुराहट पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये पहले भी इस तरह मुस्कुराते रहे और पता चला कि राहुल जी दोनों लोकसभा क्षेत्र से 2.5 से 3.75 लाख वोट से जीते और इनके प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो ये अपने आप में ही अपने आप का जो अहंकार और अहम वो समाप्त हो चुका है और शायद इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अपने अंदर के गम को छुपा रहे हैं। चलिए वाह, बहुत जोरदार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, जिस तरह से आज की जो कार्रवाई रही काफ़ी महत्वपूर्ण वो कार्रवाई रही और तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई, जिस तरह से सदन के नेता, प्रतिपक्ष और तमाम विपक्ष के नेता वहाँ पर मौजूद रहे और राहुल गांधी को लेकर आज निश्चित तौर पर आज की ये तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और उस पर मुझे लगता है आज मीडिया चर्चा भी करेगा, राहुल गांधी की पर्सनालिटी को लेकर भी और उस तस्वीर को भी लेकर के जो आज सदन में देखने को मिली। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ओम बिरला के लोकसभा थी उसमें विपक्ष उतना मजबूत नहीं था, बल्कि डिप्टी स्पीकर बनाने का मौका भी नहीं मिला था, जो अंतर था बहुत बड़ा अंतर था। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन चलते चलते मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये सदन की परंपरा, लोकतंत्र कैसा है भारत का वो दिखाई देता है और भारतीय लोकतंत्र की जीत भी है कि आज सदन में पक्ष और विपक्ष एक जैसे दिखाई देते हैं, जनता जनार्दन की जीत है और ये बताता है कि अब ओम बिरला के सामने इस बार बहुत बड़ी चुनौती होगी। यदि कोई प्रस्ताव लेकर सरकार आती है तो अब विपक्ष भी अपनी बातें रखेगा, यदि बड़ी बड़ी कोई नियुक्तियां होती है तो विपक्ष के नेता में रूप में राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा। तो ये बदला हुआ सदन है, बदली हुई चीजें हैं और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। चलिए, और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।